वेल, पिछले कुछ दिनों से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बटोर रहे हैं काफी सुर्खियां, और वजह है पिछले कुछ दिनों से दोनों का अलग अलग दिखाई देना। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि बॉलीवुड का ये क्यूट कपल शायद सेपरेशन की कगार पर पहुंच गया है। तो वहीं बात करें अगर ऐश्वर्या राय की, तो अभिषेक बच्चन से शादी से पहले भी बच्चन बहू रहती थी हमेशा न्यूज में। वेल, 1994 में मिस वर्ल्ड बनने के बाद जहां ऐश्वर्या ने कदम रखा बॉलीवुड की दुनिया में, तब से वो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने लगी। वेल, खबरों की माने तो 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम के दौरान ऐश्वर्या राय एंड सलमान खान फेल इन लव विद ईच अदर। तब कुछ टैब्लॉइड्स में ये भी छपा कि शायद ऐश्वर्या और सलमान खान ने सीक्रेटली शादी कर ली है, और इन खबरों को झूठा बताते हुए ऐश्वर्या ने तब दिया था ये स्टेटमेंट। Wouldn't the entire industry be aware of it if it had happened? The industry is such a small place. Besides, I've not even had the time to spend with my family after my mom's accident. I'm not the sort of person to deny something as major as marriage. Well, तब sources की माने तो ऐश्वर्या राय को कई बार सलमान खान के घर विजिट करते हुए भी देखा गया था, और ऐश्वर्या सलमान की फैमिली के भी काफी क्लोज आ गई थी। हालांकि ऐश्वर्या और सलमान खान के प्यार को लग गई नजर और दोनों हो गए अलग, एंड दिस सेपरेशन वॉज वेरी हार्ड फॉर सलमान खान। पहले उसके बाद ऐश्वर्या ने पूरी तरह से सलमान खान से दरकिनार कर लिया, और तब उनकी दोस्ती हुई विवेक ओबेरॉय से, जो तब बॉलीवुड में नया नया पांव जमा रहे थे, और तब विवेक और ऐश्वर्या के अफेयर के चर्चे भी खूब उड़ने लगे। वेल, इन दोनों सलमान, ऐश्वर्या और विवेक काफी सुर्खियां बटोरा करते थे, और तब सोहेल खान ने दिया एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा, नाउ शी वीप्स इन पब्लिक व्हेन शी वाज गोइंग अराउंड विद हिम व्हेन शी यूज्ड टू विजिट आवर होम सो ऑफन लाइक पार्ट ऑफ द फैमिली डिड शी एवर एक्नॉलेज द रिलेशनशिप द एक्टर एडेड शी नेवर डिड दैट मेड सलमान फील इनसिक्योर ही वांटेड टू नो हाउ मच शी वांटेड हिम शी वुड नेवर लेट हिम बी श्योर ऑफ दैट ऐश्वर्या वाज इन कांस्टेंट टच विद सलमान खान टिल रिसेंटली ऑन द मोबाइल दैट्स व्हाट अपसेट विवेक। वेल, ऐश्वर्या राय ने हमेशा से इन बातों पर मेंटेन की है डिग्निफाइड साइलेंस, और वो हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने से बची हैं। और उसी के साथ साथ सलमान खान ने भी इंटरव्यूज में यही कहा है कि अब वो लाइफ में बढ़ चुके हैं काफी आगे।